टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक्सटर्नल टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, DCT, उसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं। और उसमें दोनों सर्कल के रेडियस 40 mm है, दोनों सर्कल के डायमीटर 40 mm है और उन दोनों के बीच में गैप 100 mm है। सो पहले रेडियस 20 करके दोनों सर्कल ड्रॉ कर देंगे और दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 mm रखेंगे। उसके बाद ये पॉइंट O और ये पॉइंट P, ये देखिए O और P के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 mm। अभी क्या करेंगे, हम लोग O और P दोनों जगह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए दोनों का रेडियस 20 है, तो ये गिवन डेटा हो गया। अभी मुझे एक्सटर्नल टेंजेंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। और यहां से देखिए ऐसे, तो आप O से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और उसके बाद P से ड्रॉ कीजिए। देखिए परपेंडिकुलर के लिए क्या करना होता है, एक आर्क बनाना होता है, सेम रेडियस लेके कट किया वापस कट किया। सो एक ही रेडियस रख के सब जगह पे कट करना होता है। देखो यहाँ पे मिल गया परपेंडिकुलर और यहां से भी मिल गया, इसको लिखेंगे T1, इसको लिखेंगे T2 और ये हो गया टेंजेंट। तो ये हो गया आपका DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसे एक्सटर्नल टेंजेंट भी बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे T1 T2 इक्वल्स टू 100 mm। आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।